दोस्तों इस तरह का सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों इस बार 2023 के एग्जाम के लिए, बिहार बोर्ड 10 के लिए, ठीक है। अब देखिए इस तरह का सवाल कैसे बनेगा, एक सेकंड बनाएंगे, देखिए फटाफट देखिए इसमें करना क्या है। करना यह है कि ये कॉस थीटा कॉट थीटा, जब भी इस तरह का सवाल रहे तो आपको इसको ब्रेक करना है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ये कॉसिक किसका उल्टा है, कॉट किसका उल्टा है। देखिए समझना क्या है कि कॉस थीटा कॉट थीटा इन दोनों को जो है थोड़ा सा हल्के फॉर्म में लाना है, तो आपको समझना पड़ेगा कॉसिक थीटा किसका ऑपोजिट है। तो कॉसिक थीटा का जो ऑपोजिट होता है, इसका मतलब कि इसको अगर उल्टेंगे तो ये बन जाएगा साइन थीटा, यानी कि 1/sin थीटा। तो इसको हम लोग लिखेंगे, यानी कि LHS को लेकर चलना है हम लोग को, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा को क्या लिख रहे हैं, 1/sin थीटा, और कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। आ रही बात समझ में आपको, इतना से लिखने के बाद क्या करना है, ये चूंकि होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे हम लोग। उसके बाद देखिए इन दोनों का LCM लेंगे अंदर ही में, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, ओके, और ये हो जाएगा 1, ठीक है, यहां भी साइन थीटा है तो ये भी हो जाएगा कॉस थीटा, ये होल स्क्वायर तो था ही, लिख दिया। उसके बाद देखिए ये इसका मतलब क्या होता है, 1 cos θ का होल स्क्वायर का मतलब होता है कि ये मतलब कि इसको दो बार लिख सकते हैं क्योंकि होल स्क्वायर है, और नीचे भी साइन स्क्वायर थीटा हो गया। आ रही बात समझ में आपको, ये हो गया। अब देखिए यहाँ 1 cos θ 1 cos θ दो बार लिख रहे हैं, इसको फिर से हम वैसे ही लिखते हैं और चेंज करेंगे, नीचे वाले को चेंज करेंगे 1 नीचे वाले को चेंज करेंगे 1 sin²θ, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा sin²θ को चेंज करेंगे 1 cos²θ, क्यों होता है, क्योंकि sin²θ + cos²θ बराबर 1 होता है, ठीक है। वहां से चेंज करेंगे, अगर sin²θ निकलना है तो 1 cos²θ हो जाएगा, अगर cos²θ निकलना है तो 1 sin²θ हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या sin²θ, तो 1 cos²θ हो जाएगा, तो 1 cos²θ हो गया। अब देखिए ऊपर तो सेम ही रहेगा, ठीक है, नीचे जो है 1 cos²θ को इस फॉर्म में तोड़ना है, a² - b² जिसका होता है, जिसका जो फॉर्मूला होता है a + b a - b, तो ये हो जाएगा a + b, यानी कि a 1 + cos θ और 1 cos θ, क्योंकि यहाँ 1² है, इसको 1² लिख सकते हैं हम लोग, 1 को तो 1² लिख ही सकते हैं, तो 1 cos²θ इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए अब देख रहे हैं यहाँ पर कुछ कैंसिल होने वाला टर्म है, देखिए सेम है, कैंसिल कीजिए, कैंसिल कर देना, बचेगा क्या, जो बचेगा वही आंसर होगा, ये हो जाएगा RHS। अभी बात समझ में आपको, देखिए कितना ईजी था, बहुत ही दो से तीन स्टेप में बन जाता है। दोस्तों इस तरह को वायरल क्वेश्चन मैं बताता रहूंगा, तो अगर चैनल पर नहीं हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, और 2023 में जो वायरल क्वेश्चन है बस मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ आपको, आप जरूर इस चैनल से बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।